नागपुर शहर के नियोजित विकास के लिए डेवलपर के रूप में काम करने वाली नागपुर सुधार निगम वर्तमान में भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस की ओर से विकास ठाकरे के नेतृत्व में NIT पर मोर्चा निकाला गया। ऐसी स्थिति है कि नागरिकों का काम दलालों के बिना नहीं होता है, जबकि नागरिकों द्वारा विकास के नाम पर लाखों रुपए जमा किए गए हैं, फिर भी 90 रुपए के तहत लेआउट में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में नागपुर सुधार परियोजना की विफलता के खिलाफ आज नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे के नेतृत्व में नागपुर सुधार परियोजना के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। नागपुर सुधार प्रन्याच्या हद्दीत येणाऱ्या लेआउट्स मध्ये ज्या मूलभूत सोयी जनतेला मिळाल्या पाहिजे त्यापासून जनता वंचित आहे। प्रत्येक लेआउट्स मध्ये रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहे, गटर लाईन चोक्स आहे, ज्या पब्लिक युटिलिटीच्या जागा आहेत त्या जागांवर अतिक्रमणाचा विळखा आहे। NIT चे जे गार्डन्स आहे ते अस्तव्यस्त पडलेले आहेत आणि मला वाटते की सामान्य जनता ज्या NIT ने सँक्शन केलेले लेआउट्स आहेत ती त्रस्त आहे आणि अशा वेळेस NIT चे अधिकारी काम चुकारपणा करत आहे। NIT मध्ये ज्या लोकांच्या लीज आहे लीज रिन्युअलचे कामं पडलेले आहे, कोणाचे RL चे आहे, हे दलालांच्या माध्यमातून गेलं तर सगळे कामं होतात, परंतु सर्वसामान्य माणूस हा काम करायला आला ते इथे हे कामं होत नाही असं नागरिकांच्या तक्रारी आहे आणि यांना जागा करण्यासाठी आज काँग्रेस कमिटीनं आंदोलन केलं आहे। जर NIT ने आपली कार्यप्रणाली जर सुधरवली नाही, NIT ने आपल्या लेआउट्समधले प्रॉब्लेम सॉल्व केले नाही तर येणाऱ्या दिवसात आम्ही जनआंदोलन उभारू असा इशारा सुद्धा आम्ही इथे देणार आहे। दलालीमुळे सामान्य लोकांचे लूट होते आहे, लेआउटमध्ये समस्यांना समोर जात आहे, अंधार आहे, कसं आहे सामान्य माणूस ज्यांनी NIT चा लेआउटमधला प्लॉट घेतला आहे त्याला लीज रिन्यू करायची असेल किंवा त्याचं RL लेटर काढायचं असेल ते हेलपाट्या खाऊन तंग झाले, आपली रोजीरोटी कामधंदे सोडून इथे येतात, मग एखादा दलाल त्यांच्या पैशाची फसवणूक करतो आणि मग ते काम होतं, परंतु सामान्य माणूस हा सरळ सरळ NIT आला तर हे काम होत नाही आणि अशा अनेक तक्रारी आहेत। आता आम्ही NIT चेअरमनला सांगणार आहोत काय इशारा असणार आहे या सगळ्यामध्ये मागण्यास। जर NIT ने या कार्यप्रणालीत सुधारणा आणली नाही, जनसामान्यांचे प्रश्न ऐकले नाही, NIT च्या लेआउटमधले रस्त्यावरचे खड्डे बुजले नाही आणि ते प्रॉब्लेम्स सॉल्व झाले नाही तर आम्ही या NIT च्या लोकांना आंदोलन करून पुन्हा वटणीवर आणू। ये नागपूर सुधार प्रन्याश की वजह से ये शहर में जो कोई नागरिक रहते उनको उनके खुद के प्लॉट रेगुलराइजेशन करने के लिए जो तकलीफें हैं और ये NIT के अधिकारी निव्वय ने सिर्फ एक दलाली का काम यहाँ पे अधिकारी करते ये बोलना भी उचित होगा क्योंकि ये शहर के लोगों को इतनी सारी तकलीफें उन्हीं के प्लॉट रेगुलराइज करने को आती है। और आप देखेंगे कि सिर्फ NIT जो है इस शहर में ये जितने भी रोड्स है रोड के ऊपर सारे खड्डे इनका जो बेसिक वर्क है वो जो कंप्लीट कर रहे नहीं हो उसको उसकी मांग करके आज नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सम्माननीय विकास जी ठाकरे ये शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इनके नेतृत्व में आज सुधार प्रन्यास पे ये मांग करने के लिए मोर्चा आयोजित किया गया हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नासू प्रक्रिया ट्रस्टियों को घेरने की कोशिश की। इस वक्त परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे ने 8 दिनों के भीतर नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा अपनी कार्यप्रणाली नहीं बदलने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।